गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। और क्या हाल है आपके? सर बढ़िया, सब ठीक ठाक है? जी सर। अरे शुभांश, तुम्हारे हाथ में एप्पल फोन, क्या गरीबों का कोई एप्पल फोन आ गया है क्या? सर वो अपनी भी अब सर फुल इज्जत जो है सर वो एप्पल के लेवल की हो गई है। अरे वाह, दिख रहा है। क्योंकि सर वैसे तो आप जानती हैं सर, मैं 10,000 से मतलब 10,000 का ही फोन बहुत मुश्किल से अफोर्ड करता हूँ, लेकिन सर इस बार क्या हुआ, मेरी माँ हो गई मुझ पर मेहरबान और दे दिए मेरे हाथ में पूरे 1,00,000 रुपए। तो मैंने भी सर तुरंत ही एप्पल का फोन ले लिया और फोन की गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर उठ गया। देखा फ्रेंड्स, आपका एक फ्रेंड मोबाइल की गरीबी रेखा से बहुत ऊपर चला गया। 10,000 के चाइनीज फोन वाले थे, अब ये 1,00,000 के एप्पल फोन वाले हो गए। हैसियत 10,000 की, लेकिन 1,00,000 का आइटम बंदा अफोर्ड कैसे कर सकता है, सवाल उठता है। बहुत लोगों को बहुत आइटम्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो आइटम्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई सरकार आती और कहती है, भाई इतने पैसे हमसे ले लो और जो चीज़ ज़रूरी है, आटा चावल, वो ले लो। तो जैसे इनकी माँ ने इनकी 10,000 की हैसियत को बढ़ाकर 1,00,000 कर दिया था, 90,000 हम कह सकते हैं इनकी माँ ने इनको सब्सिडी दी। ऐसे ही अगर 40 रुपये किलो आटा है और मेरी हैसियत 5 रुपये किलो आटे से ज़्यादा खर्च करने की नहीं है, तो 35 रुपये का जो ब्रिज है, जो गैप है, अगर कोई फिल कर रहा है तो 35 रुपये हम कहेंगे इसको सब्सिडी। सब्सिडी को हम नहीं बोलते हैं, अनुदान। अनुदान, अनुदान सुनते ही बात साफ होती है। दान शब्द हमने सुना है ना, दान। दान हम देते हैं बिना इस बात की अपेक्षा किए हुए कि बदले में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। सरकार उस तरह का दान नहीं देती। कोई भी सरकार अगर कुछ देती है तो बदले में एक चीज़ की उम्मीद करती है। वो क्लास हालांकि हमारी इकोनॉमिक्स की नहीं है, वो क्लास पॉलिटिक्स की है, लेकिन कहानी होती है वोट। तो सब्सिडी का ताल्लुक बहुत बड़ी मात्रा में वोट से होता है। अब इनकी प्यारी माँ ने इन्हें 90,000 दिए। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता सिवाय माँ के प्यार के। पिताजी भी आपकी उम्र के 25 साल बाद पूछते हैं कि बेटा चल क्या रहा है, फीस पे फीस लिए जा रहे हो, बदले में कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। माँ पूरी ज़िंदगी प्यार मुफ्त में लुटाती है। तो दान हो या अनुदान हो, एलिमेंट ये है कि भाई इसको हम इस तरह से देखें, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, तो सरकार अपनी तरफ से। अब कहाँ देती है सरकार? सरकार खाद बहुत महंगी है, उसे सस्ता करने के लिए देती है। अनाज बहुत महंगा है, उसे सस्ता करने के लिए देती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से जो चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता, सरकार वो भी उनके अफोर्डेबिलिटी के दायरे में ले आए, तो इसे आप कह सकते हैं सब्सिडी। इसकी हिंदी बहुत सुंदर है, एक झटके में बात समझ में आ जाती है, अनुदान। इनकी बुराना माँ ने शुभांश जी की औकात 10,000 की थी और हैसियत इनकी 1,00,000 की हो गई है, वो 90,000 सब्सिडी जो इनकी माँ ने दी। सर आपने ये तो समझा दिया कि ये अनुदान है, बट ये अनुदान का पैसा सरकार के पास आता कहाँ से है? दीक्षा बहुत सही सवाल पूछा। इकोनॉमिक्स में दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल हैं। बजट में दो सवाल सबसे महत्वपूर्ण मुश्किल है कि पैसा आए कहाँ से और पैसा जाए कहाँ से। पैसा जाए कहाँ से, इस सवाल का तो बहुत आसान जवाब है, 2,00,000 का एप्पल फ़ोन खरीद लो, 20,00,000 की कार खरीद लो, खर्च करना बहुत आसान काम है। मुश्किल है कि पैसा आए कहाँ से। सरकार आखिर में टैक्स पेयर की जेब से लाती है। आप तरह तरह के टैक्स पे करते हैं, सरकार पैसा वहाँ से लाती है, लेकिन खर्च वहाँ करती है जहाँ सरकार की मर्जी होती है। तो ये सब्सिडी है, दान या अनुदान, सरकार आपके और मेरे पैसे से देती है। मूल बात यह है कि सरकार पैसा सब जगह से वसूलती है, देती वहाँ है जहाँ सरकार को लगता है दिया जाना चाहिए। दान का हकदार हर कोई नहीं होता ना, दान की कुछ महिमा बताई गई, दान किनको मिलना चाहिए। इकोनॉमिक्स में बजट में दान उनको मिलना चाहिए जो वाकई उसके पात्र हैं, यानी कि
10,000 का मोबाइल इनके पास था, 1,00,000 का मोबाइल चाहते थे। तो माँ को लगा कि मेरा गरीब बच्चा, 90,000 दे दिए। सरकार को कई बार लगता है कि ये गरीब सेक्शन है, इसको ये मदद मिलनी चाहिए। तो सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है, उसमें सबसे ज़रूरी सब्सिडी दो तरह की होती है, एक खाद सब्सिडी और एक खाद्य सब्सिडी। 2022-23 में जो बड़े दस्तावेज पेश किए गए थे उसमें अनुमान लगाया गया था कि खाद फर्टिलाइज़र सब्सिडी पे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा, करीब 1,00,000 करोड़ का खर्च होगा, मगर साल बीतते बीतते पता लग रहा है कि नहीं, इस पे 2,50,000 करोड़ रुपए का खर्च हो सकता है। यानी कि जितना सरकार दान या अनुदान देना चाह रही थी उसका 2.5 गुना ज़्यादा उसको देना पड़ सकता है। यानी कि देखा होगा आपने ना कि खैरात का माल बटोरने बहुत लोग आ जाते हैं, है ना। तो दान अगर सरकार देना शुरू करे, अनुदान अगर देना शुरू करे, तो लाइन कई बार बहुत लंबी भी हो जाती है। सरकार ने सोचा कि 1,00,000 करोड़ देके काम चल जाएगा, अब पता लग रहा है कि उतने में काम नहीं चलेगा। तो 1,00,000 करोड़ का 2.5 लाख करोड़ खाद की सब्सिडी में जाने का अनुमान है। क्या सर अनुमान से 2 गुना ज़्यादा सब्सिडी खाद पर दिए जाने का अनुमान है? क्या सरकार के एस्टिमेट्स इतने गलत हो जाते हैं? ब्रिटिश सरकार है, अनुमान गलत, क्या वो सब कुछ गलत करके भी सरकार बनी रह सकती है और बाइज्जत सरकार बनी रह सकती है? अब तुम सोचो, तुमने बनाए अनुमान कि मेरी बर्थडे पे एस्टिमेटेड 4 फ्रेंड्स आएंगे, खर्चा होगा 20,000 और फ्रेंड्स आ गए 10, खर्चा होगा 1,00,000, तो क्या तुम्हारी इज्जत बनी रह सकती है? या तो फ्रेंड्स बेइज्जत करेंगे या होटल वाला बिल के लिए बेइज्जत करेगा, और अगर पापा ने बिल दे दिया तो पापा बेइज्जत करेंगे। यानी कि अनुमान गलत करना सरकार अफोर्ड कर सकती है, आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो चाहे सब्सिडी का हो, वो चाहे इनकम का। सर मेरा एक सवाल है, क्या हम सब्सिडी स्टार्ट करने के बाद उसे बंद भी कर सकते हैं? भाई बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। आप कॉलेज की कैंटीन में बहुत मुफ्त का माल उड़ाते हैं, 1 रुपए की चाय और 2 रुपए के समोसे। ज़रा सोचिए, 1 रुपए की चाय और 2 रुपए का समोसा कैसे मिल जाता है? कॉलेज इस पे अनुदान और सब्सिडी देता है, ठीक है। आप सब लोग बहुत अमीर परिवारों के बच्चे हो सकते हैं, 1,00,000 का मोबाइल तुम्हारे भाई के पास है, लेकिन कॉलेज ये कह दे समोसा 10 रुपए का और चाय 20 रुपए की, कोई सब्सिडी नहीं, आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, सस्ता मिलना चाहिए। यानी एक बार अगर सस्ते की आदत पड़ जाए तो बिना ये देखे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, सस्ता ही मिलना चाहिए। तो सब्सिडी शुरू करना बड़ा आसान है, देना बहुत आसान है, लेना बहुत मुश्किल है। एक बच्चे को आप रोज़ चॉकलेट दे रहे हैं, उसे वो अपना हक मानने लगता है, और आप चॉकलेट देना बंद कर दीजिए, वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। दूसरी बात साइकोलॉजी, तीसरी बात समझिए कि आप एक रोड पे जाते हैं, एक वहाँ बूढ़ी भिखारन बैठती है, आप रोज़ वहाँ उसे 10 रुपए देते हैं, बाई चांस एक दिन आप पॉकेट में 10 रुपए का नोट रखना भूल गए, आप चेक कर लीजिएगा, वो आपको इतना घूर के देखेगी उस दिन जैसे आपने कर्ज खाया है उसका। ये बात ह्यूमन साइकोलॉजी की, एक बार जो मुझे मिल गया वो मेरा है, वो मुझसे जाएगा तो मार मचाऊंगा। और एग्जांपल समझिए, दिल्ली में हर कोठी वाले की इच्छा होती है कि घर के सामने का 50 मीटर का एरिया वो घेर कर रखे, हर कोठी वाले की इच्छा होती है घेर कर रखे, और नॉर्मली घेर भी लेता है। कभी कॉरपोरेशन ने मार मचा दी तो उसका हक है वो, जो उसे वैसे प्राप्त था। तो दो चीज़ होती है, हक कब बनता है? जब मैंने काम किया उसके लिए। कोई आपको दान दे रहा है, अनुदान दे रहा है, वो भी विड्रॉ जब होता है तो मारधाड़ मचती है। वापस आते हैं इनके एग्जाम्पल पे, भगवान ना करे इनका मोबाइल फ़ोन दोबारा खो जाए, फिर माँ के पास जाएं कि माँ दोबारा प्यार दिखाओ, विच मीन्स योर प्यार इज़ इक्वल टू 90,000 रुपीज़।
माँ क्या कहेगी इनको, बहुत इज्जत से कहेगी चल फूट ले। तब माँ से नाराज हो जाएंगे यार कि पहली बार दे दिया था अब नहीं दिया। ये तो बात माँ और बेटे की हो गई, भिखारी और मेरे बीच की हो गई। अब आप सोचिए, सरकार दे रही है दे रही है, दिए जा रही है दिए जा रही है दिए जा रही है। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस दुनिया में मुफ्त का सिर्फ माँ का प्यार, या इनके केस में 90,000 का मोबाइल मिलता है। सरकारों को उम्मीद होती है कि भाई हमने आपको सब्सिडी दी, आप हमको वोट दे देना। अब आपने जिनको सब्सिडी दी उनसे वापस ले ली तो क्या आपको वोट देंगे? हर सरकार के मन में डर होता है, नेता किसी और चीज़ से नहीं डरता, वो डरता है कि वोट कहीं चला ना जाए। इसलिए तर्क के स्तर पर ये मानना बड़ा आसान है कि भाई अब आप 1,00,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकते हो तो भाई 20 रुपये की चाय क्यों नहीं अफोर्ड कर सकते? इकोनॉमिक्स परफेक्ट है, मगर भाई पॉलिटिक्स परफेक्ट नहीं है। ये सारे बच्चे जुलूस बना के प्रोफेसर की पिटाई कर देंगे, या आज मैं उस भिखारिन को रुपए देना भूल गया, कल उसने घूर के देखा, परसों बद्दुआ भी दे सकती है। इसका कोई ताल्लुक लॉजिक से नहीं है, इसका ताल्लुक ह्यूमन साइकोलॉजी से है कि जो माल एक बार मिल गया वो वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए इकोनॉमिक्स ऑफ सब्सिडी कहती है कि सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। भाई कोई लॉजिक नहीं है इसका। जो 50,000 पर मंथ कमा रहा है, 15,000, 20,000, 50,000 जो बाकी चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। इस देश में 130 करोड़ मोबाइल हैंडसेट्स हैं, यानी 130 करोड़ मोबाइल हैंडसेट है तो 130 करोड़ के पास मोबाइल तो है ना। तो इनसे आप कहें कि जब मोबाइल अफोर्ड कर सकते हो भाई तो आटा भी अफोर्ड कर लो। मोबाइल तो मुझे एप्पल चाहिए, तो आटा मुझे सब्सिडी वाला चाहिए। तो ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स की जंग है, जिसका निष्कर्ष ये है कि सब्सिडी शुरू करना बहुत आसान है और बंद करना बहुत बहुत मुश्किल है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, बजट गुरुकुल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव, महत्वपूर्ण स्टेशन, महत्वपूर्ण क्लास, रेल बजट। रेल बजट यूं तो अब इतिहास का हिस्सा है, अब रेल बजट पेश नहीं किया जाता, लेकिन हमें इतिहास पता होना चाहिए। आप सब तो बहुत नए ज़माने के बच्चे हैं, और रेल का वो क्रेज़ आपके लिए नहीं है जो मेरे जैसे भूतपूर्व बच्चे के लिए हुआ करता था। रेल का भारतीय फिल्मों में, भारतीय गानों में, भारतीय जनजीवन में बहुत भारी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इतना इम्पोर्टेंट कि रेल के लिखे गीतों पे हम पूरा एक अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं, कि हम बात कर रहे हैं आज बजट की। रेल बजट अलग से पेश होता था, नहीं, रेल बजट का एटीट्यूड कुछ अलग होता था। भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है, लेकिन कभी भी कृषि का बजट अलग से नहीं बना, बजट खाली बना रेल का। तो रेल बजट का एटीट्यूड, जलवा, असर, शाइनिंग अलग होती थी, और रेल मंत्रियों की भी जलवा, असर और शाइनिंग अलग होती थी। आपको अगर रेल म्यूज़ियम में जाने का मौका मिले तो आपको पता लगेगा कि कितने तरह के इम्पोर्टेंट नेताओं ने रेल के बारे में पढ़ा लिखा है। वो तो पुराने ज़माने की बात है, इतिहास की बात है। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रेल का हाल है उसमें आप में से किसी बच्चे को शायद रेल मंत्री का नाम भी पता ना हो। बताओ हमारे रेल मंत्री का नाम क्या है? सर नहीं पता। तुम्हें रेल मंत्री का नाम नहीं पता, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, रेल मंत्री की गलती है। क्योंकि एक जमाने में रेल मंत्री वो होते थे जिनका नाम पूरे देश और दुनिया में सब जानते थे, ममता बनर्जी। अब तो प्रधानमंत्री होने के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, ये सब वो नेता थे जो बतौर रेल मंत्री काम कर चुके हैं, और आज ये सब बहुत बड़े नेता हैं। तो कुल मिलाकर रेल मंत्रालय
बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाता था। आज तो रेल मंत्रालय है मगर रेल बजट नहीं है, वो मेन बजट में जा चुका है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इतिहास की बात समझने की ये है कि 2016 में आखिरी बार रेल बजट पेश किया गया था, 1924 में अलग से रेल बजट पेश करने की शुरुआत हुई थी। अंग्रेजों का रेल पर और टेलीग्राफ पर बहुत ज़्यादा जोर होता था। हमने क्या बात करने की कोशिश की कि रेल को वो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे कि उसको पूरा अलग से डिपार्टमेंट, अलग से बजट, अलग से स्ट्रक्चर। रेल और टेलीग्राफ के जरिए उन्होंने बहुत हुकूमत की, लेकिन जैसा हमने कहा कि अब रेल बजट अलग से पेश नहीं होता, वो मुख्य बजट का एक हिस्सा होता है और ऐसा हिस्सा होता है जिस पर अब आमतौर पर चर्चा नहीं होती। सर, रेल बजट को मुख्य बजट में शामिल क्यों किया गया? सर, रेल बजट को मेन बजट में क्यों मिला दिया गया, ये सवाल जितना अर्थशास्त्र का है, जितना बजट का है, उतना राजनीति का है। एक ज़माने में रेल बजट अलग से आया करता था, उस पर अलग चर्चा होती थी, टीवी डिबेट, पैनल डिस्कशंस अलग होते थे और बड़ी मारधाड़ होती थी उसमें। मारधाड़ ये होती थी कि रेल मंत्री अगर बंगाल की हैं तो बंगाल की तरफ की बहुत सारी गाड़ियाँ चल निकली, और रेल मंत्री अगर बंगाल की हैं तो उनकी इच्छा होती थी कि दिल्ली से मथुरा भी अगर कोई नई गाड़ी चले वो वाया कोलकाता होके आए, या अगर कोई रेल मंत्री राजस्थान का है तो वो दिल्ली से जोधपुर की जितनी भी यात्रा हो वो सुनिश्चित करे कि एक ट्रेन के जरिए नहीं बल्कि 20 ट्रेन के जरिए हो। यानी कुल मिलाकर ये अपने अपने राज्यों में, अपने अपने इलाकों में नई नई ट्रेन, नई नई सुविधाएं लाने का एक उपक्रम था। सरकार को समझ में आया कि रेल का अर्थशास्त्र राजनीति से ज़्यादा चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक्स का लॉजिक नहीं है, इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा, इसको चेंजेस लाने पड़ेंगे। चेंज लाने का सबसे शानदार तरीका है कि चुपके चुपके काम कर दो, इस पर कोई चर्चा ना हो। तो अब आप देखें क्या होता है, मेन बजट में आता है, सारी मारधाड़ चर्चा किसकी होती है, मेन बजट की। इसमें हल्के हाथ से रेल पे क्या कर दिया गया है ये आम तौर पर पकड़ में नहीं आता, और जब तक पकड़ में आता है तब तक 3-4-5-6 दिन हो चुके होते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि रेल बजट को मुख्य बजट में मिलाने की आर्थिक वजह ये थी कि बहुत सारे चेंजेस करने थे मगर इन चेंजेस पे चर्चा ना हो, इसलिए आप मिला दो, मिला जुला अफर्ड कर लो, और उसके बाद इस पर डिबेट डिस्कशन अब लगभग ख़त्म हो गया है। एक ज़माने में आप पुराने अखबार देखेंगे तो रेल बजट पे 5-5, 6-6 पेजेस के डिस्कशन होते थे, बल्कि इसमें वो रेलवे बोर्ड के पुराने मेंबर्स बेरोजगार हो गए। उस ज़माने में उन्हें बहुत इज्जत से बुलाया जाता था, बताया करते थे कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, वो सारी बातें बताया करते थे, ये होना चाहिए, जो वो खुद 40 साल की सर्विस में कभी नहीं कर पाए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में सारी विद्वत्ता, सारा ज्ञान रिटायरमेंट के बाद बहुत तेज़ी से आता है, लेकिन अब चूंकि हम सारी बात करते हैं मेन बजट की, तो रेल बजट का जिक्र, उसकी फिक्र, उसकी चर्चा हम नहीं करते, उसका सारा खर्चा चुपके से सरकार मेन बजट में शामिल करके निकाल लेती। तो सर, यानी रेल बजट तो अब इतिहास की बात हो गई? हाँ ठीक है, ये रेल बजट इतिहास की बात हो गई, लेकिन अपने इतिहास को हमें सहेज के रखना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि एक होता था रेल बजट, आज़ाद भारत में पहला रेल बजट जॉन मथाई साहब ने प्रेजेंट किया था, आखिरी बजट 2016 में सुरेश प्रभु ने पेश किया था। 2016 के बाद दोनों बजट एक साथ मिक्स हो गए थे, लेकिन आप अर्थशास्त्र के बजट के विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेबसाइट पर जाके देखें पुराना रेल बजट किस तरह का होता था। वक्त हिसाब से बदल जाता है। दिल्ली में स्टेशन है एक, पुरानी दिल्ली, वो हेरिटेज स्टेशन है, ऐतिहासिक इमारत है, महात्मा गांधी का आना जाना वहाँ कई बार रहा है। एक फिल्म आई थी कुली, अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म थी, उसमें वो गाना गाते हैं स्टेशन पे,
उसकी शूटिंग का बड़ा हिस्सा स्टेशन पे बीता था। वो गाना गाते हैं कि सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, मगर बच्चन साहब भी अब बोझ कहाँ उठा पाते हैं, वक्त बीत गया है, अब तो च्यवनप्राश खा के और वो भुजिया खा के अपनी सेहत बचाने या बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन एक होता था रेल बजट, ये हमें इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते हमेशा याद रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बस जी फिट एकदम। और आज हम बजट गुरुकुल में अगली क्लास चलाएंगे। क्लास है रेवेन्यू डेफिसिट, यानी रेवेन्यू घाटा। लाइफ में अगर आटा हो और डाटा हो, यानी आटा और डाटा का घाटा ना हो, तो लाइफ बहुत मज़े की चलती है ना। सुबह से शाम तक चलाए जाओ इंटरनेट, यूट्यूब, व्हाट्सअप, वो चलता है डाटा से। और आटा चाहिए दाल रोटी के लिए। तो कुल मिला के ये घाटा आज की तारीख में किसी को नहीं है, लेकिन सरकार घाटे पे घाटे दिए जाते हैं, ये घाटा वो घाटा तरह तरह के घाटा, लेकिन सरकार घाटे के बावजूद चले जाती है। तो समझने की बात यह है कि आम आदमी लगातार घाटा करे तो नहीं चल सकता, सरकार घाटा करे तो भी चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। सरकार घाटा करके भी मज़े में है, और आप और मेरे जैसे व्यक्ति अगर दुकान घाटे में चलाएं तो पिटाई की नौबत आ जाती है। सर, हाँ बोलो। सर, ये घाटा क्या होता है? और देखो, घाटा क्या होता है तो मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है, मैं और तुम मिलकर एक चाय का ब्रांड बनाते हैं, मफलर चाय वाला। हमने दुकान खोली, सुबह दूध चीनी चाय की पत्ती लेके आए, समझो खर्चा किया हमने 6,000 रुपये का, और शाम तक हमने 10,000 रुपये की चाय बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000 रुपये हमने बांट लिए। अभी हमने क्या कहा कि 6,000 की हमने खर्च किया, और एम्प्लॉयज़ ने इतनी सर्दी के यहाँ से दिखले ही नहीं, उसके बाद 6,000 हमारे शाम को वेस्ट हो गए। घाटा कितना हुआ? 6,000 का घाटा। 6,000 का हुआ तो आपने कहा यार छोड़ो, क्या करना, आप अगले दिन नहीं आए। उसके अगले दिन मैं भी नहीं आया, लेकिन जो हमने जगह किराए पे ली है कि भाई 1,000 रुपये रोज आपको भी देंगे, वो देने पड़ेंगे। तो एक दिन क्या होगा कि हमारे खर्चे तो बहुत ज़्यादा और इनकम हमारी निल। 10,000 रुपये खर्च किए, इनकम हुई 5,000, ये क्या हो गया? 5,000 का घाटा। 10,000 खर्च किए, इनकम निल, कितना हो गया? 10,000 रुपये का घाटा। पॉइंट ये है कि आप जैसे मेरे जैसे आम आदमी घाटे में लगातार जिंदा नहीं रह सकते, दुकान बंद हो जाएंगे। आप देखें हमारे आसपास कई सारी नई दुकानें खुलती हैं, किसी ने नए कपड़े की दुकान खोली, नए इसकी दुकान खोली, लेकिन 90% दुकानें 3 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। स्टार्टअप के आइडिए 97% नहीं चल पाते, घाटा हो जाता है। तो आम आदमी घाटे पे चलना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपको और एग्जांपल दूं। दो सरकारी टेलीफोन कंपनियां हैं, हालांकि मेरा पूरा भरोसा है आप में से किसी के पास कोई सरकारी फ़ोन नहीं होगा, लेकिन आप अगर अपने पिताजी से बात करेंगे बताएंगे आपको कि सरकारी फ़ोन लेने के लिए कितना लंबा प्रोसेस होता था। दो सरकारी कंपनियों का घाटा है 73,000 करोड़ रुपया, 73,000 करोड़। वो कंपनियां फिर भी चल रही हैं, चले जा रही हैं, लेकिन प्राइवेट आदमी की चाय की दुकान भी लगातार घाटे में नहीं चल सकती। तो समझने की बात यह है कि सरकार घाटा बर्दाश्त कर सकती है, प्राइवेट आदमी घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा सर, सरकार की भी तो लिमिट होती होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि दनादन सरकार घाटा खाती जाएगी। सरकार लगातार घाटा खा भी सकती है और लगातार उधार भी पा सकती है। आम आदमी और सरकार में फ़र्क ये होता है कि आम आदमी को एक पॉइंट के बाद उसका सगा बाप भी उधार नहीं देता। सरकार को ये फ़ायदा है कि दूर के आम आदमी की जेब से भी वो उधार ला सकती है, टैक्स ला सकती है, यानी कि घाटा खाने का
संवैधानिक अधिकार और लगातार घाटा खाते जाने का संवैधानिक अधिकार आम आदमी का नहीं है, सिर्फ सरकार का। और साहब घाटे भी सरकार के तरह तरह के, घाटों की वैरायटी है साहब। एक घाटा होता है रेवेन्यू डेफिसिट और एक घाटा होता है फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा। अरे वाह सर, मतलब घाटे की भी पूरी वैरायटी है, पूरा मेन्यू है घाटे का। कितना घाटा लेंगे, कौन सा घाटा लेंगे? हाँ साहब बिल्कुल वैरायटी है घाटे के। अब देखिए, एक होता है छोटा जेब कट, फिर थोड़ा सा बड़ा राहजन और एक बहुत बड़ा डाकू। काम तीनों का एक ही है, आपकी जेब को हल्का करना। तो साहब घाटों की वैरायटी है। एक घाटा होता है रेवेन्यू घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू समझो राजस्व, सरकार ने टैक्स कमाया, टैक्स हासिल किया। अगर 10,000 करोड़ का टैक्स है और खर्चा राजस्व यानी सैलरी एम्प्लॉयज़ की 8,000 करोड़ है, तो माने कि 2,000 करोड़ बचा लिए। मगर बचा ले तो वो सरकार कैसी? मामला उल्टा है, खर्चे ज़्यादा राजस्व कम। तो जब ये सीन पैदा होता है तो उसे क्या बोलेंगे हम? घाटा। भाई कमा तो आप कम रहे हो, खर्चे आपके कम नहीं हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर आखिर में होगा घाटा। अब जैसे हमने बात की फ़ोन कंपनियों की, कमाई तो कुछ हो नहीं रही पर सैलरी तो जा रही है। अभी सैलरी जा रही है, कमाई हो नहीं रही, तो कहाँ से आएगा? उसे हम बोलते हैं घाटे से पूरा होगा। 2022-23 में रेवेन्यू घाटा 990,241 करोड़, करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू घाटे का अनुमान है। अकलमंद सरकारें वो होती हैं जो रेवेन्यू से कमाती ज़्यादा हैं और खर्च कम करती हैं। ये बात मैं एज एन एक्सपर्ट नहीं बता रहा, आपकी दादी भी आपको बता सकती है। अगर आप दादी को बताएं कि मेरी सैलरी 50,000 है, तो बताएगी बेटा 20,000 रुपये जमा कर दे, तेरी शादी में काम आएंगे या तेरे मकान में काम आएंगे। 50,000 की इनकम को आपने कहा कि साहब मेरे खर्चे 70,000 के हैं, तो दादी और पापा दोनों आपको डांटेंगे। लेकिन सरकारें किसी की नहीं सुनती, सरकार ना दादी की सुनती ना सरकार दादा की सुनती, सरकार अकलमंदी से भी नहीं चलती। सरकार, हमने पहले बात की कि सरकार चलती है कि भैया कहाँ से किस तरह से जुगाड़ की जाए कि अपना वोट का हिसाब किताब बना रहे। तो घाटे पे घाटा लगातार चला आ रहा है और उधार भी मिलता चला आ रहा है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का बहुत मोटा मोटा मतलब यह हुआ कि सरकार टैक्सेस से कमा कम रही है और खर्च ज़्यादा कर रही है। लेकिन भैया आप सरकार नहीं हो, आपको उधार भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप जब भी कमाओ अपनी इनकम के मुकाबले खर्चे कम रखना। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? बढ़िया साहब, सर्दी में बढ़िया रहिए, ऑल द बेस्ट। आज हम बात करेंगे बजट गुरुकुल में राजकोषीय घाटे की, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, खजाना, है ना? किले का खजाना, नागिन का खजाना, हम सबने इसके बारे में कहानियाँ सुनी हैं और टीवी पर स्टोरीज देखी हैं। खजाना यानी कि वो जगह जहाँ रुपए, पैसे, दौलत, संपत्ति, गहने, जेवर रखे जाते हैं। दिनकर एक बहुत बड़े कवि हुए हैं हिंदी के, उनकी एक कविता की लाइन है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब मामला दूसरा है, हर वित्त मंत्री यही कहता है कि खजाना खाली करो कि जनता खाती है, खाने पीने का इंतज़ाम, जनता के नाम पर वसूलो धनाधन, ये स्कीम वो स्कीम। और जब खजाना खाली हो जाए, खर्च बहुत ज़्यादा हो जाए, आमदनी कम हो जाए, तो भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। सरकार कोई आम आदमी थोड़ा ना है, सरकार तो सरकार है। घाटे की भी कोई लिमिट नहीं है और खर्चे की भी कोई लिमिट नहीं है। जब खजाना खाली हो, खजाने में घाटा हो, तो कितना भरें, कैसा भरें, ये तो बाद में तय होगा। पहले तय तो करें कि खजाने में घाटा कितना है। वो खजाने में घाटा कितना है ये हम तय करते हैं, उसे हम बोलते हैं राजकोषीय घाटा,
फिस्कल डेफिसिट। तो सर डेफिसिट का मतलब घाटा, घाटा मतलब खजाना खाली होता जाएगा ना। देखिए सरकार की कई सारी योजनाएं भले ही आपको अक्ल से खाली दिखाई पड़े मगर सरकार का खजाना कभी खाली नहीं होता। आयकर विभाग का कभी विज्ञापन आप देखें तो उसमें छोटा सा स्लोगन होता है कोश मूलो दंड, संस्कृत का ये उक्ति है, अर्थशास्त्र लिखा है चाणक्य ने, वहाँ से उठाई गई है। इसका आशय ये है कि किसी भी राज्य की मूल शक्ति ताकत है धन में, राज्य के साथ आदमी की भी शक्ति उसी में है। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझें कि जब सरकार का डंडा घूमता है, सरकार अपनी शक्ति दिखाती है तो सारा धन सरकार के पास आ जाता है। खजाना खाली हो, सरकार डरा के धमका के कानून से आपकी जेब से पैसे निकाल के ले जाए, उसे सरकार कहते हैं। डरा के धमका के कोई और अगर आपकी जेब से पैसे ले जाए तो उसे गुंडा कहते हैं। कुल मिला के अपनी जेब से पैसा कोई निकालना नहीं चाहता, लेकिन सरकार को संविधान ने, संसद ने ये शक्तियां दी हैं कि आप पैसा निकलवा सकते हैं। खजाना खाली है तो भी, खजाना खाली नहीं है तो भी। तो सवाल है कि कितना निकलवाया जाए, कितना उधार लिया जाए, कितना कहां से उधार लिया जाए, उससे पहले ये तो पता हो कि घाटा कितना है, खजाना खाली कितना है। तो खजाना खाली कितना है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, ये पहले हम लोकेट करते हैं, पहले हम पता करते हैं कि पहले तो एसेस करें कि भाई कितना निकलवाएं, कितना उधार, मार्केट में उधार लेने हम तो तब जाएंगे जब पहले पता हो कि उधार लेना कितना है, कहां से कितना निकालना है। तो खजाने में कितना घाटा, ये एसेस करने की एक्सरसाइज होती है। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा दिखा के सरकार उधार मांगती है, टैक्सेस लगाती है और तरह तरह से जुगाड़ करके अपना खजाने का घाटा पूरा करती है। सर लेकिन सरकार उधार लेकर खजाना भरती है, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, आप जो बात कह रही हैं आपकी दादी से लेकर बड़े बुजुर्ग तक यही बात कहते हैं कि उधार लेकर काम नहीं चलाना चाहिए, बल्कि हमें तो समझाया गया कि भाई उधार सिर्फ इमरजेंसी में लिया जाना चाहिए, लेकिन ये बात आम आदमी पर लागू होती है, सरकार इस बात को नहीं फॉलो करती। राजकोषीय घाटे में सरकार द्वारा लिए गए सारे उधार शामिल होते हैं, इसलिए अगर आपको इकोनॉमी या बजट को देखना हो तो राजकोषीय घाटा देखिए, उसमें पता लगता है कि अगर सरकार ने उधार ज़्यादा लिया है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता चला जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊँ 2022-23 में सरकार ने ये बताया था हमको कि जीडीपी का 6.4%, अब सवाल है जीडीपी क्या है, जीडीपी समझिए इकॉनमी का साइज जितना है, 100 रुपये अगर इकॉनमी का साइज है तो उसमें 6.4% फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा रहेगा, यानी तमाम उधार उधार लेके सरकार इतने घाटे में रहने वाली है। अब सवाल है कि 6.4% कम माने ज़्यादा माने, रेफरेंस पॉइंट है कि 3% से ज़्यादा अगर फिस्कल डेफिसिट है तो ये चिंता की बात है। तो हम कहते हैं ना आम आदमी की ज़िंदगी में आप अगर 20,000 कमा रहे हैं और अगर आप 15,000 EMI में देने वाले हैं उधार के, तो फाइनेंशियल पोजीशन ठीक आपकी नहीं है। सरकार के मामले में विद्वानों का मानना है 3% से ऊपर अगर राजकोषीय घाटा हो तो आप समझिए उधारी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। समझने की बात यह है कि 2021-22 में ये फिस्कल डेफिसिट रहा था 6.9%, उससे पहले का साल था कोरोना वाला 2020-21, जीडीपी का रहा था 9.2% फिस्कल डेफिसिट। 9.2% तो आप समझिए कि असहनीय है, पर सवाल है कि वो वक्त भी असहनीय था, कोरोना, लॉकडाउन, लोगों के जॉब्स चले गए, तरह तरह के खर्चे, तरह तरह की प्लानिंग। तो चलो एक या दो बार आपने खर्चा ज़्यादा कर दिया, लेकिन बाद में उसको लाइन पर लेके आना पड़ेगा। पर सवाल यह है साहब कि अगर सरकार उधार लेती है तो हमें क्या चिंता होनी चाहिए, सरकार ने उधार लिया सरकार देगी। हमें एक चीज़ समझनी ये चाहिए कि सरकार लाएगी कहाँ से देने के लिए, वो आएगा तो मेरे और आपकी जेब से ही ना। हमने
एक और क्लास में डिस्कस किया था कि सरकार हर साल जितना खर्चा प्रस्तावित करती है बजट में, उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है पुराने लिए गए उधार का ब्याज देने में। तो ब्याज भी तो सरकार आपसे मुझसे वसूलेगी ना। तो अगर सरकार कर्जा ले रही है तो बहुत सिंपल सी बात है, बाज़ार में चार कर्जे लेने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 8 लेने वाले हैं तो बढ़ जाएगी। अब सवाल है, जब सरकार ही सारा कर्ज मार्केट से ले लेगी तो आप जैसे छोटे मोटे काम करने वाले बिजनेसमैन, उसको कर्ज महंगा मिलेगा ना। अगर सरकार कर्ज नहीं लेगी तो मार्केट में कर्ज लेना आसान हो जाएगा। तो सरकार जो कर्जा लेती है उसका एक असर पड़ता है ब्याज दरों पे, यानी आम कारोबारी की ब्याज दरें भी ऊपर चलती चली जाती हैं। और लगातार फिस्कल डेफिसिट अगर किसी सरकार का बढ़ता जा रहा है तो आप मान के चलिए कि देर सवेर, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि सरकार को उधार मिल जाता है लेकिन एक सीमा के बाद अगर राजकोषीय घाटा उधारी बहुत ज़्यादा हो जाए तो सरकारें भी डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं। डिफ़ॉल्ट से क्या मतलब है कि भाई पैसे बचे ही नहीं, अब हम कर्ज वापस ही नहीं कर सकते। अब जब कर्ज वापस नहीं कर सकते तो आप क्या हो गए, डिफ़ॉल्ट। ना देशी कर्ज वापस कर सकते ना विदेशी कर्ज वापस कर सकते। डिफ़ॉल्ट होने के बाद अगर आप याद करें, अप्रैल में श्रीलंका का हाल हो गया था, बाहर से सारा कच्चा तेल आना बंद हो गया था, लंबी लंबी कतारें, तो वो एक भयंकरतम स्थिति है। लकीली भारत उस स्थिति में कभी नहीं पहुंचा, पर हमें अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते समझना चाहिए, हम पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट देखें, श्रीलंका का देखें, किसी भी कंट्री का देखें, जो इकोनॉमी समस्या में हैं, प्रॉब्लम में हैं, उनका फिस्कल डेफिसिट यानी कि उधारियाँ उनकी औकात उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा निकल चुकी होती हैं। भारत में उम्मीद है कि आने वाले वक्त में फिस्कल डेफिसिट 6.4% से कम रहेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? गगन तुम्हारी गुड मॉर्निंग बहुत धीमी धीमी आ रही है, बिल्कुल तुम सो रहे हो, क्या बात है? बिल्कुल मनरेगा टाइप, ढीले ढाले बेकार फालतू टाइप से, क्या है ये? अरे सर मत पूछिए, बिल्कुल मनरेगा मेंटेलिटी हो रखी है सर, बिल्कुल ढीला ढाला, बिल्कुल बेकार सा सर, कुछ मत पूछिए सर। ओके, कुछ करने का मूड नहीं है, बैठे से बेकार भली पुरानी कहावत है और नई कहावत हम आज बात करेंगे, बैठे से मनरेगा भला। वैसे आज मैं आपको इस क्लास में मनरेगा के बारे में ही बताने वाला हूँ। मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, और बजट की जिन योजनाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, जिस पे पक्ष विपक्ष के नेता अर्थशास्त्री बहुत बात करते हैं, वो है मनरेगा। और इसमें हमें समझने की बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्कीम के बारे में एक बार कहा था कि मनरेगा बड़ी बेकार की योजना टाइप है और इसमें गड्ढे खोदे जाते हैं और गड्ढे भरे जाते हैं, लेकिन मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए बहुत लंबा अरसा बीत गया, ये स्कीम अब भी चल रही है, चलती ही जा रही है, और कहावत पुरानी से नहीं हो गई, बैठे से मनरेगा भला। सर अगर इस स्कीम में कुछ है ही नहीं तो ये स्कीम चलती क्यों जा रही है? स्कीमों का लॉजिक बहुत अलग होता है ना। स्कीम कोई सिर्फ इसलिए नहीं चलती कि उसके रिजल्ट आने चाहिए, है ना। आपको अगर पुराने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं, कई स्टूडेंट 10 साल से पढ़ रहे हैं, 15 साल से पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है वो पढ़ने के लिए आते हैं? कई सारी स्कीम सिर्फ इसलिए नहीं आती कि उनसे कोई कामयाबी हासिल करनी है, वो चलती रहती है। मैं जब छोटा था तब मैं गरीबी हटाओ स्कीम सुनता था, आज भी सुन रहा हूँ, मेरे किड्स भी सुन रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो ग्रांड किड्स भी सुनेंगे। मनरेगा का आप स्केल समझिए क्या है, 2022-23 में जिस फाइनेंशियल ईयर में हम हैं, 15 करोड़ एक्टिव वर्कर, इसका आप स्केल समझ रहे हैं क्या है, 7 ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी हमारे यहाँ
मनरेगा में काम करते हैं। कोई सिंगापुर वाला आपको ज़्यादा तड़ी दे तो बोले जितनी तुम्हारी पॉपुलेशन है उसका 30 गुना हमारे यहाँ मनरेगा में काम करते हैं। तो पॉइंट यह है कि इसका स्केल इतना बड़ा है कि कई देशों की आबादी से कई ज़्यादा बड़ी आबादी मनरेगा में लगी हुई है। रिजल्ट क्या आ रहे हैं ये एक अलग मसला है, पर वो लगे हुए हैं, पैसे मिल रहे हैं। 2022-23 में सरकार ने इसके लिए 73,000 करोड़ रुपए रखे थे और दिसंबर 2022 में सरकार ने एक्स्ट्रा इसके लिए मांगे 45,000 करोड़। हालांकि कोरोना के वक्त इस स्कीम का एक इस्तेमाल था, एक यूज़ था, तमाम लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो गांव में इसने एक बड़ी तादाद में रोजगार दिया। मगर मूल सवाल ये है, अगर आप गांव में जाकर देखें तो गांव में कई बार ये शिकायत करते हैं कारोबारी कि उनको मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए। वजह ये है कि मनरेगा से उनको पैसा मिल जाता है और कई केस में बिना काम किए हुए। जब बिना काम किए हुए पैसा मिलेगा तो कोई काम करके पैसा क्यों कमाना चाहेगा। तो मनरेगा की खिलाफ जो एक बड़ी शिकायत ये होती है कि इसने उन लोगों को बहुत प्रेरित किया है जो बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत लंबे टाइम बाद इसके बारे में ऑडिट हो, जानकारी मिले कि वाकई उन एसेट्स की क्वालिटी क्या है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ पहले, मोदी जी ने इसके बारे में कहा था कि मनरेगा कुछ इस तरह की योजना है कि गड्ढे खोदे जाते हैं और भरे जाते हैं, लेकिन फिर भी ये चलती ही जा रही है। साल दर साल ना सिर्फ चल रही है बल्कि इसके लिए बजट भी बढ़ाकर मांगा जाता है। लेकिन सर, हम एकदम विश्व गुरु बनने की तैयारी में हैं, तो ये मनरेगा जैसी स्कीम में काम कौन मांगता है? बहुत सही सवाल है। मुझे सवाल का जवाब अर्थशास्त्र नहीं बल्कि दर्शन शास्त्र देना पड़ेगा, फिलॉसफी मुझे घुसना पड़ेगा। दर्शन शास्त्र में पढ़ाते हैं कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। बड़ा मुश्किल सा ये है, क्या मतलब आप कहेंगे सर, दिन दहाड़े क्या आप क्लास में लगा के आ गए, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, जो है वो नहीं है। दरअसल भारत के बारे में आप जो कहेंगे वो भी सच है और जो आपने कहा ठीक उसका उल्टा भी सच है। भारत एक बहुत अमीर देश है क्योंकि इसमें इतनी मर्सिडीज, इतनी फॉर्चूनर, इतनी लग्जरी हवाई यात्राओं की डिमांड है और भारत एक गरीब देश है। ये बात इससे साबित होती है कि 81 करोड़ लोगों के खाने पीने का अनाज का इंतजाम सरकार को करना पड़ता है। वो भी सच है, ये भी सच है, सब सच है। एक्स भी सच, एंटी एक्स भी सच। भारत दरअसल अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते समझें, 3 भारत एग्जिस्ट करते हैं। 140 करोड़ में से 5 करोड़ जो लोग हैं वो भारत का अमेरिका है। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश, मुंबई का नरीमन पॉइंट, दिल्ली का सिविल लाइंस, ये भारत का अमेरिका है। यहाँ के एसेट्स, यहाँ के एस्पिरेशंस, यहाँ की इनकम, यहाँ के सपने, यहाँ की इच्छाएं, भारत का अमेरिका 5 करोड़ करीब। और करीब 40-45 करोड़ का जो भारत है वो भारत का मलेशिया है, मिडिल क्लास। करीब 80-85 करोड़ भारत का युगांडा है, जिसको किसी स्कीम से मुफ्त का अनाज चाहिए, किसी से रोजगार चाहिए। और ये तीनों भारत अपने आप में इतने बड़े हैं कि हर भारत का अपना महत्व है। भारत का अमेरिका इतना बड़ा है कि 10 न्यूजीलैंड बन सकते हैं 5 करोड़। भारत का अमेरिका इतना बड़ा है कि 2 ऑस्ट्रेलिया बन सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत का युगांडा अपनी जगह खड़ा हुआ है। मनरेगा जैसी योजनाओं का बहुत महत्व उन लोगों के लिए है जिनके लिए अस्तित्व का संकट भी एक ठोस संकट है, जो भारत का युगांडा है और उसकी तादाद बहुत बड़ी है। तो साहब, जो भारत का हिसाब किताब आप देखते हैं ना, इसमें कई तरह के भारत एग्जिस्ट कर रहे हैं और 80 करोड़ से ज़्यादा का जो भारत है वो भारत का युगांडा है। उसके सामने खाने पीने की समस्या है। अब इसको ऐसे एंगल से देखें कि पैसे के लिहाज से अमेरिका इंडिया का बहुत इम्पोर्टेंट है और
वोट के लिहाज से युगांडा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो सारी योजनाएं जिनका ताल्लुक भारत के युगांडा से है उसमें कई बार तर्क समझ में आए या ना आए वो चलती रहेंगी। तो मनरेगा की स्कीम कुछ इस तरह की स्कीम है कि इसके व्यर्थता पे कितनी बेकार है, रिजल्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तमाम बात होती रहे लेकिन इसके ख़त्म होने की संभावना नहीं है। आने वाले बजट में भी हम देखेंगे कि इसमें एलोकेशन अगर ठीक ठाक हुआ तो ठीक, वरना सरकार की खाट खींची जाएगी कि साहब आपने गरीबों के लिए मजदूरों के लिए ये एलोकेशन कम कर दिया। इसलिए सरकार चिंतित इस बात पर रहती है कि मनरेगा को लेकर अगर चिंता चर्चा डिबेट हो तो ये ना हो कि सरकार ने इसका बजट ड्रास्टिकली कम कर दिया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 15 करोड़ एक्टिव वर्कर्स जुड़ते हैं इससे, बहुत बड़ी आबादी जुड़ती है इससे। तो ये बजट की उन योजनाओं में से है जिसका आर्थिक कम राजनीतिक महत्व बहुत ज़्यादा है, और जैसा मैंने आपको समझाया सरकार वोट से चलती है, वोट चलता है राजनीति से। और बावजूद इसके कि सरकार के मुखिया एक बार जो मान चुके हों कि गड्ढे खोदने की और भरने की एक्सरसाइज है, ये स्कीम तमाम गड्ढों को पार करती हुई चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी।